डेली लाइफ ऑफ इमोर्टल किंग एपिसोड 34 की शुरुआत में हमें बैनलिंग और सौरों को दिखाया जाता है जो आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं और जो पीछे उनके लगी होती है जो टीम वो उन्हें मारने की पूरी कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाती है क्योंकि बैनलिंग उनके अटैक को बड़े आराम से डॉज कर रहा होता है और जो सौरों होती है उसे लग रहा होता है कि बैनलिंग उसे वहाँ पे डांस सिखा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो अपने आप को बस बचा रहा है। यहाँ जो ये बंदे होते हैं उनमें से ये बोल रहा होता है, ये जो बंदा है ये मेरा अटैक से बहुत अच्छी तरीके से बच रहा है, वो भी डांस के मूव्स की मदद से। और उनका जो दूसरा बंदा होता है वो बोल रहा होता है, मैंने कहा था पहले ये बंदा कुछ अजीब है। फिर उनका जो लीडर होता है पिंक बालों वाला वो उनको ऑर्डर देता है, तुम लोग कितने बेवकूफ हो, एक बंदे को शूट नहीं कर पा रहे, और बोलता है अब तुम लोग सौरों के ऊपर अटैक करो और इस बार चूकना मत। उसका पहला बंदा बोलता है माफ करना, लेकिन इस बार नहीं चूकेंगे। और उनका दूसरा बंदा बोलता है ये तो एक बुरा आइडिया है, और वो फायर कर देते हैं। दूसरी तरफ जो सौरंग होती है वो अपने आप में खोई होती है और बोल रही होती है कि जब वो पहली बार बैनलिंग से मिली थी तो वो बंदा उसको इतना खास नहीं लगा था, लेकिन फिर भी बैनलिंग उसके दिल में जगह बना लिया था। वो हर बार उसके बारे में सोचती थी कि वो उसको हर बार इग्नोर करता है, लेकिन फिर भी वो उसके साथ रहती थी। और सौरंग को उत्सुकता थी कि वो उसके बारे में और कुछ भी जाने। उसने बैनली को देखा है जब वो किसी भी परेशानी में पड़ जाता है वो अपने दिमाग को शांत रखता है और अपनी परेशानियों को बड़ी आराम से सुलझा लेता है, जैसे कि वो फ्रॉग को बड़े आराम से हरा लेता है। और सौरंग फायर फेस्टिवल के दिन वो बातें बोल रही होती है कि वो चाहती है कि वो उसको समझने की कोशिश ना करे, बल्कि वो विश करती है कि वो बस उसको जानने की कोशिश करे। लेकिन एक दिन वो उससे बहुत गुस्सा थी जब वो उसके सामने ऐसे खड़ा था। सौरंग ये भी बोलती है कि वो उसके लिए स्पेशल नहीं है, स्पेशल है तो वो नूडल्स जो उसके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। फिर सौरंग की आंखों में एक चमक होती है, चाहे तुम कितने भी बड़े माउंटेन हो, यानी कि आइस के माउंटेन, वो उस माउंटेन को अपनी गर्मी से पिघला देगी क्योंकि वो है। तभी उसके ऊपर एक अटैक आ रहा होता है जहाँ बैनली उसका हाथ पकड़ता है। बैनली उसको बोलता है अब तुम मुझे ज्वाइन करो, लेकिन जो सौरंग होती है वो बोल रही होती है तुम कुछ ज्यादा ही फास्ट हो। जहाँ दूसरी तरफ बैनली यही सोच रहा होता है कि तुम जितना ज्यादा डॉज करोगी तुम्हारे लिए उतना ही फायदा होगा। जहाँ सौरंग को वो पोस्ट पसंद नहीं आ रहा होता है वो बैनलिंग से पूछ रही होती है क्या तुम्हें ये वाला पोस्ट पसंद है, ये तो बिल्कुल एम्बैरेसिंग है। फिर बैनलिंग उसको अपने करीब खींच लेता है। सौरंग बोल रही होती है कि वो उसके लिए तैयार नहीं है, लेकिन बैनलिंग उनके अटैक से काफी अच्छी तरीके से डॉज कर रहा होता है और सौरंग के काफी करीब आ चुका होता है। सौरंग का जो चेहरा होता है वो टमाटर की तरह लाल हो जाता है, वो काफी शर्मा रही होती है। और उसके साथ डांस करने के बाद वो बोलती है कि वो सेटिस्फाई हो गई है और उसका सर घूम रहा होता है। और जो दूसरी तरफ जो मार्क्समैन की टीम होती है उसमें एक बंदा बोल रहा होता है वो बिलीव नहीं कर सकता कि उसने उसको हिट नहीं किया, और वो आगे ये बोलता है कि वो सोच भी नहीं सकता कि वो बंदा ऐसा कर सकता है। पीछे से सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है और जो मार्क्समैन का टीम मेंबर होता है वो काफी डर जाता है, और जो सिक्योरिटी गार्ड होता है वो बोल रहा होता है जिंदगी कीमती है तो तुम ऐसे मर नहीं सकते, वो भी वहां से कूद कर। फिर वो जो बंदा होता है वो बोल रहा होता है उसे इंटरप्ट मत करो, यानी कि दखल अंदाजी मत करो, एक इम्पोर्टेंट मिशन पर है। और वो वहां से कूदने वाला होता है कि सिक्योरिटी गार्ड उसे पकड़ लेता है और उठा के पटक देता है उसको, उसका सर घूम रहा होता है। फिर जो सिक्योरिटी गार्ड होता है वो उस बंदे को बोलता है, यानी कि वो ली होता है, वो स्टूडेंट को बोल रहा होता है अब तुम ये सब यानी कि सुसाइड करने की कोशिश मत करना, अब तुम्हारे समझ में आ गया होगा। और फिर वो बोलता है अब जाने का समय हो गया है। और मार्क्समैन का जो दूसरा साथी होता है वो बोल रहा होता है तुम्हारे साथ क्या हो गया ये। फिर हमें उसी स्टूडेंट को दिखाया जाता है जो जमीन में पड़ा होता है, उसका चश्मा टूटा होता है। जो दूसरा बंदा होता है वो बोल रहा होता है ये तुम्हारे साथ क्या हो गया छोटे भाई, वो काफी परेशान हो रहा होता है। फिर ली हमें एक पेड़ पर बैठा दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है तुम इतनी भरी दोपहरी में ऐसा काम कर भी कैसे सकते हो,
और ली किसी को देख रहा होता है और बोल रहा होता है, तुम गर्ल्स वॉशरूम में क्या कर रहे थे। इस बात से ली को इतना गुस्सा आ रहा होता है, वो काफी कुछ बोल दिया होता है, तुम्हारे अंदर दिल नहीं है, तुम पत्थर दिल हो। और सन ऑफ ब्रिज बोलने के साथ वो बोलता है, अब तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी क्योंकि तुम ये डिजर्व करते हो। और इसी के साथ वो आगे बढ़ता है पनिशमेंट देने के लिए और अपना एक अटैक करता है उस पर, जो कि उस स्टूडेंट को लगता है जो बोल रहा होता है काफी रिफ्रेशिंग फील हो रहा है उसे। पता नहीं हमें उसके साथ क्या हुआ होगा क्योंकि आगे के एपिसोड में दिखाएगा, जहां दूसरी तरफ सोरोंग बेहोश हो जाती है और पेनली उसे उठाकर ले जा रहा होता है और उसे भी पीछे से आवाज आती है, वो बोल रहा होता है अब सब कुछ ठीक हो गया है। इसी के साथ एपिसोड भी खत्म होता है।